विधानसभा में धान खरीदी के मुद्दे पर आज एक बार फिर जमकर गहमागहमी हुई। विपक्ष के नेताओं ने धान का रकबा कम किए जाने का मामला शून्यकाल में उठाया, इस पर स्थगन कर चर्चा की मांग रखी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि रकबे में कटौती का कोई निर्देश सरकार ने नहीं दिया है। सरकार के इस जवाब के बाद विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने स्थगन प्रस्ताव अग्रह कर लिया था और इस पर भाजपा नेताओं ने आपत्ति जताई। विधानसभा में जमकर हंगामा होने के साथ ही विपक्षी सदस्य ने गर्भगृह में प्रवेश किया, जिसके बाद 15 सदस्यों को निलंबित किया गया। इस प्रकार षड्यंत्र पूर्वक किसानों के रकबे में कम करने के आदेश जारी हुए हैं रातों रात, और 30 तारीख तक 6 लाख हेक्टेयर रकबे पूरे कम करें, 2500 करोड़ की धान खरीदी ना हो, 6 लाख हेक्टेयर धान एकड़ कम हो जाए, और ये सरकार पीछे के रास्ते से भागना चाहती है। और किसानों को उन्होंने नोटिस दिया है कि यदि 30 तारीख तक अपने रकबे में कटौती नहीं करेंगे उनके खिलाफ FIR होगा। अधिकारी का निर्देश SDM को है, तहसीलदार पटवारी को टारगेट दिया गया है। उस टारगेट में कहा गया है कि जो इस टारगेट का पालन नहीं करेगा उसको खिलाफ FIR दर्ज होगा, यानी किसानों के खिलाफ FIR दर्ज होगा इस सरकार में। ये सरकार अपने वायदे से मुकर रही है, किसानों को 1800 1850 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदने का आदेश सभी संग्रहण केंद्रों में, धान खरीदी केंद्रों में पहुंच चुका है। अब इसके बाद ये सरकार इतनी डरी हुई है धान खरीदने में कि ये हर अपने कलेक्टर SP पटवारी तहसीलदार कोटवार को ये आदेश दे दिए हैं कि हर किसान के धान के रकबे में कम से कम आधा एकड़ एक एकड़ काटो, ताकि इस प्रदेश में कई हजार एकड़ धान का रकबा कम हो जाए। किसान विरोधी नीति का जो है विरोध किए हैं, और सरकार अगर किसानी की बात को नहीं सुनता है, 2500 रुपए क्विंटल पे धान खरीदने के आदेश नहीं देता है, रकबा कटौती को बंद नहीं करता है, और किसान की धान जिसको जब्ती किया जा रहा है उस पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, तो ये लड़ाई सदन के बाहर सड़क में भी लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी घोषणा किए कि 10 क्विंटल का आप लोगों के सामने में कि उसके कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अभी भी ट्रकों में धान थाना में खड़ा हुआ है, कटौती हो रही है, बाजार में लोग धान लेके जो रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए है उसके अभाव में है, और इसीलिए आज सारा ये घटनाक्रम हुआ है। हम किसानों के साथ में थे, किसानों के साथ में है, और किसानों के साथ में रहेंगे कि कांग्रेस अपनी जन घोषणा पत्र को पूरा करे, उसमें हिला हवाला करेंगे तो दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। महापौर मालिनी गौड़।